हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 10th ग्रेड। तो काफी ज्यादा टाइम के बाद एक वीडियो आया है ना, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। और ये वीडियो भी कुछ एरा गेरा वीडियो नहीं होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको अब तक की सबसे बेस्ट चीज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं आपसे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आप बताऊंगा, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसमें पढ़ाऊंगा, और मैं ऐसे स्टार्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं खुद एक 10th क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ, और मेरे को पता है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना कितना ज़्यादा टफ हो सकता है किसी के लिए भी। और क्वांटम मैकेनिक्स तो फिजिक्स की वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है, और फिजिक्स की क्यों मैं इसको बोलना चाहूँगा, वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है, और उसमें मैथमेटिक्स जिस तरह की यूज होती है, या कोई भी इसमें टॉपिक यूज होता है, वो काफ़ी हायर लेवल का यूज होता है। तो मैं इस सीरीज को इस टाइप से मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में काफी ज्यादा नहीं भी पता है ना फिजिक्स के बारे में, तो भी आप इसको कर सकते हैं। और मैं अगर आइडिया दूं ना, अगर आप क्लास 11 और 12 में हैं, तो आई थिंक कि आपको ये सीरीज समझ 101% आए, ठीक है। और क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगा, ठीक है। और मैं सच बताऊं ना, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में को पढ़ते हुए मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में काफी ज्यादा टाइम मैंने स्पेंड किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, थर्मोडायनेमिक्स होगी, है ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे। और अभी कुछ लास्ट पीरियड्स में मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं थोड़ा पढ़ रहा था, न्यूक्लियर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते मैं देखा है, जब न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी डीप जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स वहां पर आई जाती है ना, तो भी मैंने फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी। और आई थिंक इसमें 2-3 महीने हो चुके हैं कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, और क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स तो मैं पहले से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मेरे को पता था कि क्वांटम मैकेनिक्स तो मैं पढ़नी है, और मैंने फिजिक्स को पढ़ना ही क्वांटम मैकेनिक्स के लिए स्टार्ट किया था। तो आज फाइनली मैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये जो सीरीज है ना, मैं सीधा बता दूँ, क्वांटम मैकेनिक्स की नहीं होने वाली है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज नहीं होने वाली है। पहले ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, होने वाली है मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। जो क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज है ना, फिजिक्स के मेनली 2 ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। जब मेरे पास कोई फिजिक्स है ना, तो वेट करना, मैं इसको रेस करके एक बार अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इस सब्जेक्ट एकदम डेप्थ में मैं लेके जाऊँ, बिल्कुल बेसिक से। वो जैसे मेरा फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है मेरे पास, मेनली इसके 2-3 टाइप्स आ जाते हैं। नंबर 1 में बस कौन सा आ जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकंड में मेरे पास, कई लोग उसको क्लासिकल में गिन लेते हैं, कई लोग पता नहीं फिर इसको मिक्सचर सा बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं रिलेटिविटी, ठीक है। और इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैं चौक ऊपर फेंका, कैच कर लिया मैंने, कॉपी है, ठीक है, मैं इसको घुमाया, इसमें रोटेशन मोशन यूज हुआ, ग्रेविटी एक्ट, ये सारा कुछ लगा। तो इसको हम क्लासिकल में हम गिन लेते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मेनली इसमें आ जाते हैं, पर वो उसका काफी छोटा सा पार्ट है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स से लेके हर चीज आ जाती है, थर्मोफिजिक्स वगैरह वगैरह, है ना। रिलेटिविटी क्या चीज है, रिलेटिविटी में 2 टाइप्स आ जाती है, एक जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने भी पढ़ी हुई है, ठीक है, और वो काफी ज्यादा, मतलब मैं बोलना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने एक बार स्पेशल थ्योरी अगर आपने रिलेटिविटी पढ़ ली ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, इतना मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और एक उसकी टाइप आ जाती है जनरल रिलेटिविटी, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, ड्यू टू इट्स वेरी वेरी टफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये आ गई रिलेटिविटी। और ये कब काम करती है, जब हमारे पास बॉडीज का साइज है ना, वो काफी इंक्रीज हो जाए, प्लैनेट्स के लेवल पे चल जाए, या उससे भी हाई लेवल पे चल जाए, तो जनरल रिलेटिविटी एक्ट करती है। जब ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है ब्लैक होल के नियर, तब हमारे पास जनरल रिलेटिविटी काम करती है। और जब हमारी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाए, हम नॉर्मली जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, उसमें स्पीड पता कितनी रहती है, 10 meters per second, 100 meters per second, या जितनी भी ले लो, अगर मैं आपको बता दूं, 1000 meters per second भी हो जाए ना, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्लासिकल मैकेनिक्स आराम से काम करेगी। पर जो स्पीड जो है ना, वो इतनी ज्यादा हो जाए कि हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, देन हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है ना। और एक और टाइप आ जाती है फिजिक्स की, उसको हम बोलते हैं फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स बोले, क्वांटम फिजिक्स बोले, वन एंड द सेम। ये जो चीज है ना, ये पता क्या है, ये इन सबसे अलग है, यहाँ पर सिंपल वर्ड की चीजें काम नहीं करेंगी, ठीक है।
और YouTube वीडियोस में तो यही दिखाया जाता है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करेगी, वैसे करेगी, है ना। इसमें काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेनास होते हैं। और बात भी सही है, अगर आप कोई नॉर्मल एक YouTube वीडियो चलाओ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स को ऐसे दिखाया जाएगा कि ये ऐसे वैसे, है ना। कोई अब साइंस फिक्शन मूवी देख लो, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में वो चीज भी है, इसमें नो डाउट। पर उसके अलावा इसमें काफी ज्यादा हार्ड मैथमेटिक्स, काफी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले इसकी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और वो रिजल्ट हमारे पास नेचुरली मैथमेटिकली आते हैं, ठीक है। आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा जब मैं फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स है जिसमें इस सीरीज में पढ़ाऊंगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए हमारे सबसे पहले हमारे को एक रिक्वायरमेंट पता क्या चाहिए, मैथमेटिक्स, ठीक है। अब कई लोगों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं होती है, यूट्यूब लार्ज कैलकुलेशंस, कैलकुलस, है ना, वगैरह, ये वेक्टर्स वगैरह जो भी है ना, लीनियर जेब्रा। पर क्वांटम मैकेनिक्स में ना, वैसे तो अगर आपको सारी मैथमेटिक्स आती है आप उसको मजे से पढ़ोगे, मैं इतना ही बता देता हूँ, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। पर अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, आपको भी तो क्या आता है, अभी तक आपको ज्ञान आता है कैलकुलस आता है बस, ठीक है, कैलकुलस आता है। अगर आप क्लास 7th में बात कर रहा हूँ, अगर क्लास 11th या 12th में आपको कैलकुलस आता होगा, है ना, आपको थोड़ा बहुत वेक्टर्स का पता होगा, फिजिक्स में आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा, अगर आप 12th में नहीं भी होगा ना, फिजिक्स में आपने ये दो चीजें पक्का पढ़ी होंगी, है ना। अगर आपको अभी तक भाई ये दो चीजें आती हैं, देन मैं आपको बोलूंगा आप अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ सकते हो विदाउट नोइंग द होल मैथमेटिक्स। वह तो क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी मैथमेटिक्स आपको चाहिए ना, वो पता कितनी है, कैलकुलस, वेक्टर्स वगैरह। अभी इसको मैं मानता हूँ, ये भी नहीं पता है, मान लो नहीं भी, ये भी नहीं पता। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या सीखनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, ठीक है। मैं अपनी सीरीज इस तरह से स्टार्ट करूंगा, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कई लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप और यूट्यूब पे देखें, है ना, और मतलब आप वीडियोज देखें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको ये चाहिए, और ये क्यों चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स में ना मोस्टली काम हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही करते हैं, और मैं आपको भी पढ़ाऊंगा भी इसके बारे में, ये लेक्चर उसी के बारे में होने वाला है। हमारे को और क्या चाहिए, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा आता है तो वेल एंड गुड, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं आता ना तो हमारे को लीनियर अलजेब्रा पूरा नहीं लगेगा, मैं सीधा बता रहा हूँ, पूरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, आपको लगेगा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और अलजेब्रा को हम कोर मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेनली आपको तीन चार और नीचे वो भी चीजें हैं जो कि अपनी सीरीज में जब आगे मैं लेक्चर प्लान बनाऊंगा तो उसमें मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्पेसिस वगैरह, हिल्बर्ट स्पेस, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, उसकी चिंता की बात नहीं, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स मैं करने जा रहा हूँ स्टार्ट इस वीडियो से, और मैं मेनली बताऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स इज इट्स असेंस। इसको मैथमेटिक्स आपके इसको ये पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्वांटम मैकेनिक्स। बाकी हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट दिस लेक्चर, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में मैं क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स के बारे में बात करूंगा, है ना। और मैथमेटिक्स ऐसे नहीं है मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा, वीडियो काफी बोरिंग ना हो, इंटरेस्ट बना रहे लोगों का, है ना, इसलिए मैं ना एक मैं चीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं वीडियो के लेक्चर की जो लेंथ है छोटी रखूंगा, मतलब आधे घंटे से ज्यादा आपको लेंथ मिलेगी नहीं किसी भी आपको लेक्चर की, और इसकी भी काफी छोटी होगी, बिकॉज मैं आज एक छोटा सा टॉपिक ही करा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट में कर रहा हूँ काफी छोटी चीज से, जो कि 11th में आपने पक्का पढ़ी होगी मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स में उस चीज को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, होप कि दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपने इस चीज को पढ़ा है तो आप इस लेक्चर को मजे से आप देख सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें पता है ना। अगर आपको नहीं पता ना, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपको इसी चीज का मैं एसेंस बता दूंगा आपको क्या क्या चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। तो वेट अ मिनट, लेक्चर प्लान में तो देखो सबसे पहले कहां से जाना है, नेक्स्ट प्लान का पता है बाकी इसकी जब तक, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज है ना, सबसे पहले इसे नोटिस कीजिए, यहां एक चीज आती है नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं हमारे को पता ही है, नंबर्स में भी नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर,
इंटीजर्स है ना, होल नंबर्स ये वगैरह बोल रहा है ना, और कैसे होते हैं जीरो वन माइनस वन यहाँ पर लेटर है ना, टू थ्री एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, और ये भी सो ऑन टू माइनस इंफिनिटी, कुछ इस टाइप के होते हैं हमारे पास नंबर्स। और इनको पता क्या बोला जाता है, ये पूरा सेट है ना, सेट आपको पता हुआ क्या चीज है, अगर मैं किसी चीज को कलेक्ट करके मैंने बक्से में बंद कर दिया ना, और मैंने बोला ये एक पर्टिकुलर चीज की आइटम्स, एक पर्टिकुलर चीज के ऑब्जेक्ट्स पे मैंने कलेक्ट करके रखी, उस चीज को हम सेट बोल देते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ठीक है उसको छोड़ो। अब ये जो बड़ा सेट है इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, ठीक है रियल नंबर का ये सेट है। इसमें क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जितने भी नंबर है ना सारे इसमें आ गए, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स वगैरह वगैरह सारा कुछ इसमें आ गया है ना, रैशनल नंबर, इरैशनल सारा कुछ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर इससे बिल्कुल अलग है, ये हमारे पास आगे रियल नंबर, ये सारी कहानी थी, ये किसकी थी, रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on to infinity. और ऐसी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक आप जाते हो, रियल नंबर खत्म नहीं होने वाला। ऑब्वियसली है ना, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं ना, ये 4, 5, 6 में है ना, तो इसकी कोई प्रॉब्लम है, बात है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होती है। चलो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप 10th क्लास में करो, या आपने 10th क्लास की है, ऑब्वियसली आपने की होगी ना, हाँ है ना, बिकॉज 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है बहुत ज्यादा, आपको मैं आप बात बताऊँ ना, बहुत ज्यादा अच्छी तो पढ़ाई नहीं चलती है, बिकॉज वहाँ बड़े आपको कुछ एक्सेप्शन भी दिख जाएंगे कि अगर आपका स्क्वेयर रूट में अगर माइनस में भी नंबर एन आ गया है तो उसको वहीं छोड़ दो, बस खत्म खत्म भाई, उसको वहीं छोड़ दो, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पर इन रियलिटी जब क्लास 11th में जाते हो ना, आपके चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का, ठीक है, आपके चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का, उसमें पता क्या बताया जाता है, ये किसी भी रूट के अंदर माइनस में कोई भी नंबर है एन, तो ये अनसॉल्वेबल क्यों है, ये आपको टीचर बताता है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ क्यों अनसॉल्वेबल है। लेट्स सपोज इसका, चलो अभी उस एग्जांपल को छोड़ते हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास नंबर है वन, ठीक है, नहीं वन मेरा नंबर है नाइन, नाइन मेरे पास एक नाइन नंबर है, ठीक है, ठीक है मेरे पास एक नंबर है एन, ठीक है मैं इसको यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, एक एन नंबर है जिसकी वैल्यू है नाइन, रियल नंबर है ना, वो तो आपने अभी पढ़ा भी नहीं है, इसको भूल जाओ अभी। अब मैं इसका स्क्वेयर कर दूँ, मैंने बोला एन स्क्वेयर क्या हुआ, आप बोलोगे 81 इसका हुआ स्क्वेयर, अच्छा ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बोलूंगा मान लो एक एन डैश नाम पे एक मेरे पास नंबर है माइनस नाइन, इसका क्या होगा स्क्वेयर, अब ये बात है इसका स्क्वेयर क्या होगा, एन डैश का स्क्वेयर, अगर आप ध्यान से देखें ना इसको सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा ये कुछ भी स्क्वेयर बहुत कुछ भी नहीं होता, माइनस नाइन मल्टीप्लाइड बाय माइनस नाइन होता है, और माइनस एंड माइनस जब करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो 81 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 81, तो दोनों यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, चाहे मेरे पास नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव स्क्वेयर वाला आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, और जब हम यहाँ पर माइनस आ जाते हैं ना आगे स्क्वेयर रूट में तो मैथमेटिशियंस कंफ्यूज हो गए, उन्होंने सोचा ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस आ जाए, बिकॉज ये तो हमारे रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, है ना, हमारे रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करें, तो फिर ना एक नोटेशन सेट किया गया, ठीक है, कि हम ये जो माइनस है ना इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, इसको हम इस टाइप से तोड़ेंगे कि माइनस वन इन टू एक्स आ जाए, है ना, हम लिख सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी है जो हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अभी पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ये काफी यूजफुल होने वाली है आगे जाकर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसी के बारे में, मतलब इस प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना उसके बारे में। अब ये जो चीज है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, अब ये तो हमारे को पता है क्या है पॉजिटिव है, पर ये क्या चीज आ गई फिर से माइनस में आ गया, है ना, तो हमने एक नोटेशन सेट कर दिया कि ये जो चीज है ना स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन, इसे हम नाम दे देंगे आयोटा, इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं, इस टाइप से आपको बताऊं इसे बोला जाता है आयोटा, ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है ना, हाँ इसे बोला जाता है इस चीज को आईओटा, प्रोनाउंस कैसे करें आईओटा, इस टाइप से आईओटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन,
और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, दैट्स नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये चीज क्या है? आयोटा है, चीज क्या है? तो आयोटा जो ये चीज आ गई ना मेरे पास, ये पता क्या है? इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बोल दो। पर अभी मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ना बोलकर कंफ्यूजन को ना बढ़ाते हुए इसको मैं भी बोल दूंगा इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको बोल दिया जाएगा इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये बस कल्पनाओं में है, रियल वर्ल्ड में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसी कोई चीज। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है ना, इसको आयोटा बोल दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो आयोटा वर्ड है ना, आयोटा, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। तो आयोटा स्क्वायर की क्या होगी? माइनस वन। आयोटा आयोटा रेज टू द पावर फोर की क्या होगी? वन। आयोटा रेज टू द पावर थ्री की क्या होगी? क्या होगी? मल्टीप्लाई करो तब मिलेगा ये होता है माइनस वन, है ना? तो आपको सही ना, अगर आप क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये आयोटा इन टू आयोटा इन टू आयोटा, तो आपको जब करोगे इसको आपको क्या मिलेगा? आयोटा आयोटा आयोटा। मैंने काफी टाइम से इस चीज में पढ़ा नहीं है ना, तो ये तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट वन, स्क्वायर रूट यही है ना, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू आयोटा आ जाता है, तो क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, है ना? सिंपल सी बात है, तो इसमें ज्यादा हमारे को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, और ये ज्यादा यूजफुल हमारे पास है नहीं। मेरे हमारे पास आयोटा यूजफुल है, ठीक है, मेरे हमारे पास इसमें आयोटा ही यूजफुल है, उसको मैं बक्से में लिख देता हूँ। ठीक है, और ये सेट नहीं है बक्सा, है ना, ये भी आप। अभी हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा जिसको बोलते हैं आयोटा। अगर आपको यहाँ अगर कोई टेंथ क्लास का लड़का इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको समझ आ जाएगा क्यों यहाँ पर हम इसको रोक देते हैं। और ये मोस्टली ना आपको पता है कि स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती है बात, है ना, बिकॉज वहाँ पर होता है कि आपको अभी बोर्ड की क्लास है, वो मार्क्स का अगर चक्कर होता है, पर ये चीज आपको मैंने बिल्कुल सही बताई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या बात है? अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ना मैथमेटिशियंस ने देखा कि हम आयोटा में कोई चीज ऐड कर रहे हैं। मेरे को मान लो आयोटा का कोई मल्टीपल आ गया, मैंने बोल दिया एन आयोटा, तो ये तो मुश्किल खड़ी होगी। अब इसको क्या क्या बोले? प्लस उन्होंने कोई होल नंबर लिख दिया एक्स, मान लो और वो चीज का जो सारा सार है ना, उसका सारा जो उसकी एसेंस है वो मैंने वहां लिख दिया। इस चीज को मैं कर रहा हूँ नहीं, इसको इरेज नहीं करूंगा। ठीक है, इसको मैं इरेज नहीं करूंगा। ओके फाइन, है ना? तो मैं फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है? मैथमेटिशियंस ने देखा कि ये तो बड़ा चल गया एक इमेजिनरी नंबर है, पर अब मान लो मेरे पास एक आयोटा था, उसका एक इंटीग्रल मल्टीग्रल आ गया वाई, एक वाई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, ये भी याद रखना, वाई इज अ रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। अगर आयोटा इनटू आयोटा आ गया तो रियल नंबर बन जाएगा, उसमें रियल नंबर बन जाएगा, है ना, उसमें भी ज्यादा माइक्रो डेप्थ में जाना नहीं है, वो सिंपल सी बात है ना। कोई रियल नंबर आ गया कोई, है ना, कोई इंटीजर आ गया यहाँ पर, है ना, ये हमारे पास आयोटा था, तो ये एक मुश्किल खड़ी होगी। अब क्या करें? साथ में प्लस में एक और नंबर आ गया एक्स, कोई भी नंबर, है ना, वो भी रियल नंबर हो गए। अब मैथमेटिशियन से बोला अब क्या करें? ये एक जनरलाइज चीज आ गई, जनरलाइज चीज ही आ गया। अब ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर कुछ और प्लस करूँ तो एंड एंड यही जुड़ेगा। अगर मैं आयोटा वाला या कुछ भी ऐड करूँ एंड एंड यही पर जुड़ेगा। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि पूरी वैल्यू का नाम दे दो जेड। ठीक है, मैं इसको ऐसे रिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी आदत है जेड को ऐसे रिनोट करने की। और ये जो पूरी फॉर्म है ना, इस ये जो जेड है, सॉरी, है ना, इसको बोला जाता है ये जेड। ठीक है, सर्कल भी मार दिया, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आयोटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। वाई क्या है और एक्स क्या है? एनी रियल नंबर। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी करता हूँ, ये एक्स एंड वाई क्या है? रियल नंबर्स। ये आयोटा क्या है? आयोटा हमारे पास यहाँ पर पता है क्या चीज है? आयोटा हमारे पास यहाँ पर चीज आती है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, है ना, और वेट अ मिनट, स्क्रीन में आ रहा है, यस, है ना। और ये जेड क्या चीज है? जेड क्या चीज है?
ना जेड भी तो होना चाहिए, उसको बोल देते कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हम डोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है फाइन। और ये मैंने इस हिसाब से बताया क्योंकि छोटा बच्चा भी इसको देख रहे हैं, नाइन्थ टेंथ वाला है ना, वो उसको इजीली गेन कर सकता है इस नॉलेज को, समझ है। ये चीज आप नोट जरूर कीजिए, ठीक है, मैं इसको एडवाइस करूंगा। अब यहाँ पर ना यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, यहीं पर आ जाते हैं, कोई बात नहीं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो जेड, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये ना पार्ट है ना एक्स वाला जो कि प्रॉपरली रियल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह है ही नहीं। ये पता क्या चीज, इसको बोला जाता है रियल पार्ट, रियल पार्ट, ऑब्वियसली नाम से चल रहा है असली वाला पार्ट, मतलब रियल दुनिया में जो यूजफुल है। ये जो चीज है ना, इसमें आयोटा जुड़ गया, आयोटा एक इम्प्योरिटी मान लो, उसने रियल चीज को खत्म कर दिया पूरा नहीं, और इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को प्लस करो कि आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है ना, फ्रेम में आ रहा है, यस फ्रेम में आ रहा है। अभी वोली साइड ब्लैक बोर्ड की सारी बची, तो इस साइड आपको भी कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, थोड़ी डिटेल्स में बता देता हूँ, उतना ही बताऊंगा जितना क्वांटम मैकेनिक्स में यूजफुल है, या फिर जितना आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, उतना ही बताऊंगा जितना कॉम्प्लेक्स नंबर जितना क्वांटम मैकेनिक्स में जरूरत है और जितना आपको इंटरेस्टिंग लगे, नहीं काफी बोरिंग भी चल जाते हैं कई बार, है ना, अगर आपने क्लास में अपना चैप्टर पढ़ा हो ना, सम इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, ओके, तो इस चीज को मैं यही लिख देता हूँ, आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है। टेंथ क्लास वालों को तो मजा आ गया होगा, इतना बता सकता हूँ, क्योंकि उनको सीधा ये बोला जाता था, इसको बस नॉट डिफाइंड बोल दो, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज ही नहीं बोली जाती थी, है ना, तो यहाँ तक हो गया, है ना, नो प्रॉब्लम। अब आगे मैं आपको चीज पता क्या करूँ, मैं देख लूँ अभी क्या करना है, ठीक है, तो इसकी अलग अलग टाइप दिखा रहा था, उसको हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, आपको पता है ये जो मैं चीज लिखी है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मैं इसको इक्वेशन नंबर वन नाम देती हूँ। अब यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत है कि मैं इक्वेशंस में जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशंस इन वन टू थ्री वेरिएबल्स वगैरह, नहीं मैंने वैसे नाम दिया वहां, ठीक है, मैंने इसको वैसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन मैंने इसको दे दिया नाम, ओके, तो अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर वन मैंने इसको दे दिया नाम, अब मैं एक और यहाँ पर चीज दिख रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर विजिबल हो, ऑफ कोर्स, मैं इसको बोलूंगा यूलर्स फॉर्म, यूलर्स फॉर्म, यूलर एक मैथमेटिशियन हुए हैं, मैथमेटिशियन कम फिजिसिस्ट हुए हैं, ठीक है, उनके द्वारा दी हुई चीज है ये, तो यूलर्स उनकी उन्हीं के नाम पर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, इसको अभी ये क्या चीज है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो चीज है ना कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन नंबर वन वाली, इसे हमने एक बहुत तरह से हमने लिख दिया है थोड़ा अच्छी फॉर्म में थोड़ा, ठीक है, द साउंड प्रॉब्लम आपको मेरे ख्याल से, हमने इसको बहुत सा इलेबोरेट करके अच्छी तरह हमने इसको लिख दिया, थोड़ा साफ सुथरा लगे, है ना, यूलर्स फॉर्म है ना, इसको कई लोग पोलर फॉर्म से एक्सप्लेन करते हैं, और मैं करूंगा, ठीक है, बिकॉज वो इजी लगता है थोड़ा, ठीक है, वेट अ मिनट, बिकॉज जो पोलर फॉर्म है ना, तो इजी कर देती है क्वांटम मैकेनिक्स को समझाने के लिए, है ना, तो ओके, सारा फ्रेम में आ रहा है अपने पास, है ना, ठीक है, तो यूलर्स फॉर्म, अब मैं इसको पढ़ाऊंगा, मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है रियल नंबर्स को, और वाई एक्सिस कर रही है इमेजिनरी नंबर्स को, ठीक है, एक्स एक्सिस रियल नंबर को, वाई एक्सिस इमेजिन नंबर्स को यहां पर डिनोट यहां पर कर रही है, और मैंने इसे ग्राफ पता क्यों बनाया, इसका रीजन पता क्या है, ये और कुछ नहीं, इसका ग्राफ यही चीज है, यहां पर और कुछ नहीं, इसका ग्राफ यही चीज है, अगर मैं यहां पर भी एक नंबर यहां मैं पॉइंट आउट करूं ग्राफ पे, ये नंबर है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, अब मैंने बोल दिया ये है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो ये रियल पार्ट में यहाँ पर जाता होगा x तक और यहाँ तक जाता होगा y तक, ठीक है, ऑब्वियसली तभी ऐसा लिखा हुआ ग्राफ में, है ना, मैंने तभी ऐसा लिखा है, और ये मैंने थोड़ा इसको आसान करके समझाया, मैं सीधा बताऊँ,
उन्हें समझाने को और टफ भी मैं इसको कर सकता था, जो इक्वेशंस वगैरह बना कर इसका ग्राफ वगैरह, ठीक है उसकी भी जरूरत ही नहीं है। जितना क्वांटम मैकेनिक्स हमारे को चाहिए, हम यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो एक्स प्लस आयोटा बाई, ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री लेनी चाहिए, इतना मैं बता सकता हूँ। मान लो थीटा एंगल पर है, यहाँ से मान लो यहाँ पर थीटा एंगल पर है, अगर आपके कॉम्पोनेंट्स लेना आते हैं ना तो अच्छी बात है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता उसकी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, आप इसको जनरल रिजल्ट के रूप में आप उसको याद कीजिए। मान लो इसका ये था आर, इसका जो अभी डिस्टेंस अभी बोल रहा हूँ, अभी डिस्टेंस बोल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम है ना, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आयोटा क्यों, बिकॉज इमेजिनरी लाइन पे ऑब्वियसली आयोटा तो बनना पड़ेगा, यहाँ पर वाई में मैं आयोटा क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वो सिग्निफिकेंस नहीं लगता माइको, क्योंकि वो एक लॉजिक नहीं देता यार, बिकॉज नेक्स्ट नंबर नाम की वो चीज हमारे रियल वर्ल्ड में तो है नहीं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये एक वे है लिखने का कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इसको इक्वेशन टू नाम दे, और अब इसी चीज को मैं ना और इलेबोरेट करके लिख सकता हूँ, ठीक है। यूलर्स फॉर्म, जो असली में यूलर्स फॉर्म आती है, ये पोलर फॉर्म भी आपको बताऊं, इस चीज को बोला जाता है पोलर फॉर्म। यूलर्स फॉर्म पता क्या चीज होती है, यूलर्स फॉर्म होती है ये, कि मैं जेड को लिखूं आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अच्छा अब ये क्यों लिखूं मैं, बिकॉज यहाँ पर ई रे आर तो आ गया ऐसे, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा यूलर्स फॉर्म होती है, इसको बोला जाता है, इस चीज को आर को हटा दो तो भी यूलर्स फॉर्म है, इतना बता देता हूँ। तो इस चीज को पता कैसे लिखा जाता है, इस चीज को लिखा जाता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अरे अब यहाँ से ना चलो उस चीज को छोड़ो ना, तो कंफ्यूज करेगा, अरे मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा आपको क्या मिलेगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, जो कि सेम यही चीज आ गई, इसलिए बिल्कुल करेक्ट चीज है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ तक हमने अभी किया है, आगे देखते हैं कि क्या करना है। हाँ, एक यूनिफॉर्म आई होगी, ठीक है, ये इसका प्रूफ था, ठीक है, ये प्रूफ के रूप में मैं बता दिया क्योंकि क्यों ये चीज ठीक है। तो यहाँ पे ई रेस ई, यहाँ पे ई ही है ना, इस चीज की आपको जरूरत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, इस चीज की आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास इलेवन में आपको पता होगा ये क्या चीज है, काफी अच्छी तरह पता होगा है ना, और पता भी होना चाहिए। क्लास टेंथ में तो अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, अभी रहने दो, इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब आएगी मैं आपको खुद बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो अच्छा एक और जल्दी आएगी, अब हम ये जो फॉर्म है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ मैं। अब ऐसी मैं इक्वेशन नंबर में ना एक और बना सकता हूँ, एक और मैं यहाँ पर भी इक्वेशन आपको मैं बना के दिखा सकता हूँ, और वो भी यूलर्स फॉर्म की आगे वाली चीज है, ठीक है, कैसे हम उसको लिख सकते हैं यूलर्स फॉर्म को, ठीक है। क्या करो, यहाँ से ई, मान लो आपको ई से यहाँ प्रॉब्लम है, आपको ई अब समझ नहीं आ रहा, आपने ई समझ ही नहीं आ रहा, तो आप इसको पता कैसे लिखो, जेड इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे एंगल का साइन ना दो, बस यहाँ पे एंगल का साइन ना हो, 10th क्लास के बच्चों को पता है कैसे होगा, ठीक है। मैं 10th क्लास का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ, बिकॉज ये मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि कोई नॉर्मल क्लास का लड़का इसको पढ़ सकता है, 10th क्लास का भी, ठीक है। और यहाँ पे थीटा, ये यहाँ से थीटा मैंने उठाया है, ठीक है, ये चीज का ध्यान आप रखना, ओके, इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट पता क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये चार मेथड है जो मैंने आपको बताया है, असल में वरना और भी निकल सकते हैं, है ना, उसमें डेप्थ में नहीं जाना। ये चार है, मेनली चार मेथड है जिनसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं, और ये एक जनरलाइज मेथड है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से, कैपिटल जेड से हम डिनोट करें, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत जरूरी है, बिकॉज़ कोई क्वांटम मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर से भरी हुई है, हर इक्वेशन में आपको ये चीज दिख जाएगी, क्या ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना। तो कई लोग बोलेंगे अगर ये रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं है हम इसको क्यों पढ़ें, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स में इसको ना कुछ इस टाइप से यूज करते हैं कि फाइनल जो मैं बोल सकता हूँ रिजल्टेंट जो आए, फाइनल जो आंसर है ना वो रियल नंबर में आ जाएगा, जैसे ना जैसे करता है। मैथमेटिक्स से हमने क्वांटम मैकेनिक्स की स्टेप से डेवलप की हुई है ना, ठीक है। तो ये था मैंने आपको बताया यूलर्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह के बारे में, ठीक है।
वैसे तो अभी काफी टाइम लग जाएगा अगर आपको मैं इसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊं, तो इससे मैं अभी अब थोड़ा देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है। अभी लगभग आधे घंटे का वीडियो तो हो ही गया है ना, और ये आधे घंटे का वीडियो पूरा हो गया 30 मिनट्स का, ठीक है। तो थोड़ा मैं ईज करने के लिए, थोड़ा लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए ना, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ कुछ फॉर्मूलाज में लिखूंगा तो उसको समझा दूंगा। ये भी कोई को ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं, मतलब समझाई जा सकती है पर फिर भी है ना आप उसको याद कर सकते हो। ये तो आपने आई होप आपने सबने लिख लिया होगा, अगर आप नोट्स बना रहे हो और बनाने भी चाहिए है ना। अब मैं आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम किस टाइप के ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशन ऑफकोर्स सर्जिकल वाला नहीं है ना, हम सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं है ना, हम कौन से ऑपरेशन इसके भी यूज कर, ऑपरेशन बोले तो मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह है ना, ऐसी चीजें हम कैसे यूज करेंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ा होगा ना उनकी तो मतलब उनको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन से वर्ड की हम बात कर रहे हैं है ना, तो उसमें एडिशन वगैरह बताना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो एडिशन ही बता देता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, आ रहा है एक बार देखिए, नहीं ना थोड़ा ऊपर ऊपर को जा रहा है ये, मैं बता दूं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यस अब आ रहा है ना, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कैसे होगा, ठीक है, देखो एडिशन बहुत इजी है इसकी, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। अब आपको मन, आपको अपने मन में एक चीज आपको डालनी पड़ेगी कि मैथमेटिकली सबट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब आप बोलोगे वो कैसे, अगर मैं बोलूं a माइनस बी तो मैं इसको लिखूंगा a प्लस ऑफ माइनस बी, सबट्रैक्शन खत्म ही हो गया, नेगेटिविटी है तो सबट्रैक्शन तो रहा ही नहीं। अब मैं ऐसे ही आपको एक टाइम पे मल्टीप्लाई वाले टाइम बोलूंगा कि डिवीजन जैसी कोई चीज नहीं होती है। और ये मैं आपको अगर बात बताऊं ना, मैं आपको लाइंस बोल रहा हूं फ्रॉम अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम में बोलूंगा कि डिवीजन जैसी कोई चीज नहीं होती, आप बोलोगे तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। अब मैं बोलूंगा इसी चीज को आप ऐसे लिख दो, ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बी, ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन बी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब मैं आपको वैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा था, मेरे मन में अचानक ये बात थी, ठीक है, वैसे सबट्रैक्शन का बता दूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एडिशन कैसे करें, मान लो जेड वन एक्स वन, चलो एक्स वाई छोड़ो, ए बी सी डी, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, जेड टू मान लेते हैं सी प्लस आयोटा डी। अब मैं यहाँ कई लोगों का क्वेश्चन भी आएगा कि सारा कुछ अलग लिया, आयोटा भी कुछ सेम लिया, आयोटा एक ही है। अब आप सब बताऊँ आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, और हमने जनरलाइज निकालिया मैथमेटिशियंस ने मिलकर, ठीक है, आयोटा तो एक ही है, हमारे पास जेड वन प्लस जेड टू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपली रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस आप समझ गए होंगे ना मैं क्यों लगाया है ना, प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस आयोटा कॉमन, ठीक है, और इमेजिनरी से इमेजिनरी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक है। और ये ही तो है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल सिंपल। और ये मैंने आपको पता है कौन सी फॉर्म का बताया, वो फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपको बताई थी है ना, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मैंने आपको उस वाली इक्वेशन के बारे में आपको मैं बताया अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है ना, अभी मैंने आपको उस वाली इक्वेशन के बारे में ही बताया है ना, ठीक है, ओके। तो ठीक है, एडिशन तक हमने कर लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन का जो है ना उसमें आपको मेरे को ज्यादा समझाना पड़ेगा, ठीक है, और मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ उसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और पता नहीं मैंने इसको दस्तों भी काफी ज्यादा गंदा हो गया है,
अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो मैं आपको चारों फॉर्म का बता दूंगा, ठीक है। मैं लेक्चर में मैं लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी चीज आपको करानी है, अगर आप देखें तो ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर सीधा फॉर्मुला लिख रहा हूँ, फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और जल्दी लिखने के लिए मैंने एक कॉपी का उठा लिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई, ठीक है, वहाँ डिवीजन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म मान लो जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। जेड टू इज इक्वल टू यहाँ पर मैं ना डिवीजन भी कर दूंगा, ठीक है। ये z2 equals to c plus iota d, ठीक है। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे, है ना। तो ये मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख दिए, ठीक है। ये मैंने यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। अब मैं इनको सबसे पहले करूंगा मल्टीप्लाई। तो z1 into z2, हम इस स्टेप से इस चीज को हम डिनोट करते हैं, हम इसको इस चीज ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करते हुए टाइम में इस सारी फॉर्म में इसको इस स्टेप्स में इसको डिनोट करने वाला हूँ। और इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल। वैसे हम इसको ना मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको ब्रैकेट में करें फिर तो इसको मल्टीप्लाई करें एक एक से, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं कि कैसे, आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ए प्लस आयोटा बी सी प्लस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन डालना नहीं डालना है ना, नोट डाल देता हूँ। सी प्लस आयोटा डी कैसे करेंगे, ए को ए से, ए को सी से, सॉरी ए सी प्लस आयोटा डी ए, ठीक है। प्लस आयोटा बी सी प्लस अब इसको इससे, सॉरी हाँ है ना, तो प्लस आयोटा स्क्वायर डी। तो ये तो मैं इसको माइनस में लिख देता हूँ, ये चला गया मेरा माइनस में। और ये यहाँ से हमने ये कुछ ऐसा बना माइनस डी बी या आयोटा, आयोटा कॉमन प्लस आयोटा डी ए प्लस बी सी, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और हाँ, और ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और मैंने इसको यही चीज है, और मैं इसी चीज को यहाँ पर एलेबोरेट करते रही हूँ, कुछ ऐसा बनेगा बी सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, है ना। और आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पर करा देता हूँ डिवीजन का, ठीक है। ये इस फॉर्म का मैं इसी फॉर्म का बता रहा हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई वाले का, ठीक है। अब यहाँ डिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हाँ तो डिवीजन कैसे करेंगे, सेम ये सेम यही है। तो मैं कैसे करूंगा, जेड वन अपॉन जेड टू। और यहाँ पर ना आपको बात करूँ ये इसकी डिवीजन कैसे होगी, इसकी डिवीजन करने के लिए हमारे को करना पड़ता है रैशनलाइजेशन मेथड यूज। और रैशनलाइजेशन अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर लिखा है ए प्लस आयोटा बी, यहाँ लिखा है सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। आप ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसका साइन अपोजिट कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, सी माइनस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी। तो इनको मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन तो यही ज्यादा चल जाएगी, ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा ब्रैकेट में बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये डिवीजन का हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है, ये भी याद रखनी पड़ेगी बात, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, यहाँ पर ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्म का मैं आपको करा दिया है ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एक और फॉर्म आती है मेरे पास, ठीक है। वैसे काफी सारी आती है, मेन में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। एक यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये यानी लंबी होगी थोड़ी, मतलब ऐसे है ना, तो जेड वन इक्वल टू आर वन कोस थीटा वन प्लस आयोटा आर वन साइन थीटा टू। जेड टू मेरे पास क्या है, आर टू कोस थीटा टू प्लस आयोटा
आर टू साइन थीटा, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसमें पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म की बात कराऊंगा बिकॉज की प्रॉब्लम है ना, यूलर फॉर्म की आसान होती है, सीधा बताओ यूलर फॉर्म की आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो करके करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, जेड वन जेड टू, इसको कैसे लिखूंगा, जेड वन जेड टू को इसको पहले इन दोनों, हाँ ये आर वन आर टू, यहाँ पर मैं फॉर्मूला ही लिख पाऊँ सीधा जल्दी, cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। और ये कैसे आया, अगर आप ये पूछ रहे हो ना तो आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जैसे मैं आपको पहले दिखाया था ये चीज आपके पास आ जाएगी, कॉमन वगैरह लेकर है ना सारा वैल्यू वगैरह डालकर, आयोटा स्क्वायर की भी, ठीक है, ये याद रखनी पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी कई जगह माइनस वन, ठीक है, फिर जाके ये वैल्यूज आ जाएगी, उसकी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। फिर डिवीजन का, हाँ जेड वन ओवर जेड टू, इसका इसका कैसे करेंगे, इसका डिवीजन है ना सिंपल, आर वन बाय आर टू, यहाँ पर क्या आएगा cos theta 1 minus theta 2 plus iota sin theta 1 minus theta 2। तो ये आ गया डिवीजन का। अगर आप पूछे ये कैसे आया आप डिवीजन वाला, इसको भी आप सिंपली मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कीजिए आप उसको ना, आपको आ जाएगा इजीली आएगा, ठीक है, या रैशनलाइज भी कर सकते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और रैशनलाइज ही करना चाहिए, मैं सीधा बताऊं रैशनलाइज इज वेरी नाइस मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने, वो अगले लेक्चर में इसके बारे में और भी बताऊंगा, ठीक है। अब यूलर्स फॉर्म है ना, यूलर्स फॉर्म की दो अगर दो टाइप्स आ जाती है, इनको कैसे करें, वो सबसे ज्यादा आसान है, आपको मैं सब बताऊं, जेड वन इक्वल्स टू आर आर वन ई की पावर आयोटा थीटा वन है ना, और एक मेरे पास आ जाती है जेड टू इक्वल्स टू आर टू ई की पावर आयोटा थीटा टू, फाइन है ना, ये बस आ गया। तो जेड वन इंटू जेड टू वेरी वेरी इजी, ठीक है, जेड वन इंटू जेड टू सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आर वन आर टू, और यहाँ पर ब्रैकेट में ई ऐसे लिख दीजिए, आयोटा ऐसे लिख दीजिए, थीटा वन प्लस थीटा, और ये समझ आ गया अगर आपको मैथमेटिक्स बेसिक आती है, क्यों, जब पावर बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, ठीक है। अब जेड वन बाय जेड टू सेम चीज, R1 upon R2, E की पावर ना ये था ना, या E की पावर आयोटा थीटा वन माइनस थीटा टू, सेम पावर बेसिस आर सेम पावर गेट सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। अब आखिरी टाइप बची है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी इसको करा देता हूँ, काफी ज्यादा आसान है, ठीक है, और वो कौन सी है, यूलर्स फॉर्म का दूसरा फॉर्म, जेड वन इक्वल्स टू आर वन थीटा वन और जेड टू इज इक्वल्स टू आर टू ना, एंगल का साइन ना के थीटा टू। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इजी है, जेड वन जेड टू, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, इसमें हम कैसे याद करेंगे इसको, आर वन आर टू तो मल्टीप्लाई हुआ, ये जो एंगल का साइन है इसको कॉमन लो, यहाँ पर थीटा वन प्लस थीटा टू सिंपल ना, और जेड वन अपॉन जेड टू का कैसे करेंगे, तो आर वन अपॉन आर टू तो हमने करना ही है, ठीक है, और एंगल का साइन लो यहाँ से कॉमन, और थीटा वन माइनस थीटा टू कर दो, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ए टू जेड चीजें आपको मैं बता दी, ठीक है, पर अभी कुछ चीजें बची थी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, हम रैशनलाइज कैसे करते हैं, और वो चीज मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगले लेक्चर में जब हम थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ अगला लेक्चर में थोड़े इसके ऊपर करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया फ्रॉम बेसिक टू एंड, या 9th 10th के बच्चों आप इजीली इसको इस चीज को समझोगे, अगर आपको स्क्वायर रूट आता है ना, अगर आपको स्क्वेयरिंग करना आता है, स्क्वायर रूट लेना आता है, आप इजीली इस चीज को समझ रहे हो, ठीक है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आता है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में दो की वीडियो आए इस सीरीज के अंदर, मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।